अब तक आपने शादियां तो अनेक देखी होगी, मगर यहां एक अनोखा शादी समारोह हो रहा है। इंटरनेशनल गीता महोत्सव में एक दो नहीं बल्कि 51 जोड़े शादी के बंधन में बंध रहे हैं, जो कि जरूरतमंद परिवार से हैं। यह बीड़ा उठाया है जयराम विद्यापीठ ने, जो देश भर में फैली हुई है। इन 51 परिवारों को जरूरत का सभी साजो सामान भी उपहार के रूप में दिया जा रहा है। समारोह में शादी के बंधन में बंध चुके हैं 51 जोड़े। पिछले 27 वर्षों से ब्रह्मसरोवर के तट पर श्री जयराम विद्यापीठ में गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर गरीब परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाता है। आज यहां सामूहिक विवाह समारोह में नगरवासियों और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए आए ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ने शादी के बंधन में बंधे जोड़ों को सुखी दाम्पत्य जीवन हेतु शुभ आशीर्वाद दिया। इंटरनेशनल गीता महोत्सव में जयराम विद्यापीठ ने एक अलग से नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस अवसर पर ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ने कहा कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जयराम विद्यापीठ ने गीता महोत्सव में जो एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, उसी वजह से कुरुक्षेत्र को एक नई पहचान मिली है। कुरुक्षेत्र से संवाददाता भारत साबरी की रिपोर्ट। क्या बताएंगे आप, काफी दिनों से आपका इंतजार था, कहां से आए हैं आज, आपसे नया जीवन शुरुआत हुआ? मैं करनाल दरड के करनाल दरड गांव से आया हूं, डिस्ट्रिक्ट करनाल से जी, और यहां जयराम विद्यापीठ के मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि मेरे यहां पे साथ रहे, और मेरे साथ में यहां पे 51 जोड़ों की और शादी हुई है जी। तो हम इस दिन का बहुत से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जयराम विद्यापीठ की तरफ से, संस्था की तरफ से हमारी शादी हो बहुत अच्छे से। तो आज मैं और मेरा परिवार बहुत ही हार्दिक धन्यवाद करता है जयराम विद्यापीठ का। आज से नए जीवन की शुरुआत हुई है? हाँ जी, हाँ जी, मैं अपनी संगनी के साथ कर रहा हूँ जी, नए जीवन की शुरुआत। कहाँ से आए हैं? मैं दरड गांव से आया हूँ जी, जिला करनाल से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव है सर। आपकी धर्मपत्नी है? ये सुविता जी। थैंक यू। पहला एक आशा आश्रम देश भर में जहाँ काफी जयराम आश्रम आज से लगभग 29 साल से इस सामाजिक काम को करता रहा है। एक समाज की व्यवस्था में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जहाँ बात है, वहीं जयराम आश्रम बेटी बचाओ का भी एक नारा साथ लेकर के चल रहा है। बेटियों को पढ़ाना, बेटियों को बचाना, बेटियों को अच्छा संस्कार देने का जो विद्यापीठ एक अभियान चलाई हुई है, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, गरीब परिवार की लड़कियां हैं, कुछ धन की वजह से, कुछ पैसे की वजह से उनका पाणी ग्रहण संस्कार नहीं हो पाता है, तो जयराम विद्यापीठ ने ये 29 साल से अभियान चलाया हुआ है। जो इस तरह के परिवार हैं, बच्चे हैं, उनकी शादियाँ इस प्रांगण में, पवित्र प्रांगण में गीता जयंती के अवसर पर लगातार 29 साल से चलती आ रही हैं, और ये इस साल 51 लड़कियों का पाणी ग्रहण संस्कार है, जो हर साल इसकी संख्या बढ़ रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि संस्था इस तरह के कार्य कर रही है, इसमें संतों का आशीर्वाद है, हमारे ट्रस्टियों की शुभकामनाएँ, हमारे ट्रस्टी इसमें साथ लगे हुए हैं। गीता जयंती स्वागत समिति के तमाम पदाधिकारी इस सामाजिक काम में लगे हैं, महिला मंडल की महिलाएं इसमें लगी हुई हैं, और ये लगभग आज से 25 साल से श्री रामलाल गोयल, उनके बड़े भाई श्री प्रयाग जी, पुरुषोत्तम गोयल जी, सारा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये काज हमेशा होता है। आज ये पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव का उस परिवार पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और जहाँ इस समय गोयल परिवार में श्री रामलाल गोयल जी, उनके पुत्र यहाँ आए हुए हैं गोयल साहब का, और कैलाश शिवलाल रमन सब आए हुए हैं, इन सब का इस संस्था के ऊपर बड़ा वृद्ध हस्त है। मुझे भी समय समय पर इस तरह के कार्य करने का ये प्रोत्साहन देते हैं। जो आज ये हो रहा है, ये प्रत्यक्ष है, 51 लड़कियों का घर बसना एक बहुत बड़ी बात है। ये हमारा संकल्प, जब तक संस्था सामर्थ्य है, ये काज हमेशा इसी तरह से चलता रहेगा। आज लड़कियों के चेहरे पर इतनी प्रसन्नता है, जो नहीं कर पाती थी उनको आज एक संबल मिला है जयराम विद्यापीठ, ये संबल हमेशा बना रहे, ऐसे हमारे ट्रस्टियों की जो हमारे साथ लगे हुए हैं, संतों का आशीर्वाद लगा हुआ है, वो सब चाहते हैं कि ये काज होता रहना चाहिए। महाराज, सिर्फ आपकी एक ऐसी संस्था है इंडिया भर में जो कोई भी धर्म नहीं देखती, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, सभी धर्मों का आप सामाजिक यहाँ पे देखिए। जयराम विद्यापीठ का जो प्रांगण है, आश्रम है, ये सभी धर्मों को समान दृष्टि से सम्मान देता है, और यहाँ जितने भी लड़कियाँ आई हुई हैं उसमें कोई धर्म नहीं देखा गया है। यहाँ मुस्लिम लड़कियों का भी निकाह होता है, सिख धर्म से भी आती हैं, ईसाई की भी यहाँ लड़कियाँ आती हैं, और हिंदू धर्म की लड़कियाँ भी आती हैं। जिस धर्म का बच्चा है उसी
अनुसार उसी धर्म के अनुसार उस बच्ची का पाणि ग्रहण संस्कार होता है। यहाँ सर्वधर्म संभाव की बात है, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया वाली भावना हमारे अंदर है। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं और जो व्यक्ति इस दृष्टि से ऊपर उठता है, इस दृष्टि को देख करके चलता है, तो उसको सफलता भी मिलती है। मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम विद्यापीठ, जयराम आश्रम एक सभी धर्मों के लिए उसका आंगन, उसका प्रांगण, उसका गेट सेवा के लिए हमेशा खुला रहता है। तो आपके मन में विचार कहाँ से है महाराज? मेरे गुरुजी पूज्यपाद गुरुदेव श्री देवेंद्र सिंह ब्रह्मचारी जी महाराज ने एक ही बात कही थी कि बेटे, सब चीजों को छोड़ करके, अनासक्ति होकर के, अपने आप को समर्पण भाव से समर्पित होकर के इस सेवा को करो, तो तुम्हारा ये जो आपने संन्यास लिया है, एक ब्रह्मचारी का आपने एक बाना लिया है, इसको सार्थक तभी कर सकते हो जब आप समाज की सेवा के लिए समर्पित होकर के इस काम को करो। मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरा अपना शरीर भी नहीं है, ये भी मैंने समाज को रजिस्ट्री किया हुआ है। मेरा शरीर भी समाज की रजिस्ट्री है, जब चाहे इसको भुना सकते हैं। तो ये प्रेरणा गुरुजी के साथ, गुरुजी से मिली, उसके बाद जो मेरे साथ हमारे आश्रम के समाधि ट्रस्ट लगे हुए हैं उनका प्रोत्साहन मुझे मिला है, तभी ये रास्ता पकड़ा है और इस रास्ते पर हम चल रहे हैं।